ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। उसके बाद मारपीट तैयार हुआ, बातों बातों में कुर्सियां लाठी डंडे भी चलने लगे। बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची में विपक्षी गठबंधन इंडिया ने अपनी महारैली का आयोजन किया। इस रैली को उलगुलान न्याय महारैली का नाम दिया गया। उलगुलान न्याय महारैली में जहां विपक्षी दलों के नेता जहां भाजपा पर बरसे, वहीं दूसरी ओर रैली में राजद और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट भी देखी गई। इसे लेकर भाजपा ने इंडिया ब्लॉग पर कटाक्ष किया। भाजपा ने इसे जंगल राज का प्रदर्शन बताते हुए कहा कि विपक्षी दलों के बीच देश के लिए कोई साक्षी कार्य योजना और दृष्टिकोण नहीं है। इसका ताजा उदाहरण अपनी ही रैली में कार्यकर्ताओं के बीच लड़ाई है। जानकारी के मुताबिक उलगुलान न्याय महारैली में राजद और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जो भिड़ंत तो हुई, उसके पीछे का कारण चतरा के KN त्रिपाठी की उम्मीदवार रही। KN त्रिपाठी की उम्मीदवारी को लेकर के इंडिया ब्लॉक की रैली के बीच कथित तौर पर राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। कांग्रेस ने त्रिपाठी के चतरा लोकसभा सीट से अपनी उम्मीदवार बनाया है। राजद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इस भिड़ंत पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने प्रतिक्रिया भी दिया। इसको लेकर चारों तरफ से घामागमी उलट गई है कि अब ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। उस पर तो बात चल ही रही है, लेकिन अपने ही पार्टी में कैसे लोग लड़ रहे हैं। जिस तरीके से उलगुलान में ये सारा चीज़ लड़ा गया, उसको लेकर पूरा का पूरा यहाँ पे बात बन गया है। तो इसको लेकर आपके मन में क्या सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं।